जहरीली शराब का विक्रय करने पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शिवपुरी कोतवाली पुलिस द्वारा जहरीली शराब का विक्रय करने वाले दो आरोपियों से जहरीली शराब जब्त कर आरोपियों को जेल भेजा गया। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि 23 जुलाई को सूचना पर पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति सफेद रंग की प्लास्टिक की कट्टी में जहरीली शराब लेकर बेचने की फिराक में बैठा हुआ था, जो पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखकर घबरा गया, जिसे घेरकर पकड़ा गया। उसके कब्जे से जहरीली शराब विधिवत जब्त की गई एवं फोरलेन धरोनी तराहा शिवपुरी पर जाकर दबिश थी, तो वहां पर एक व्यक्ति सफेद रंग की प्लास्टिक की कट्टी में जहरीली शराब लेकर बेचने की फिराक में बैठा था, जो पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखकर घबरा गया, जिसे घेरकर पकड़ा गया। उसके कब्जे से जहरीली शराब विधिवत जब्त की गई। उक्त आरोपी गणों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए। आरोपी गणों को गिरफ्तार कर किया गया। वहीं सपोर्ट कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई। वहीं बाद में आरोपी गण को न्यायालय पेश किया गया। उक्त आरोपी पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसमें से आरोपी आकाश उर्फ कल्लू जाटम निवासी नवाब साहब रोड शिवपुरी पर पूर्व से NDPS एक्ट के पंजीबद्ध है। वह आरोपी आशु बड़ई निवासी नमो नगर शिवपुरी के विरुद्ध NDPS एक्ट का पंजीबद्ध है।